हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, तुम्हारे भाई पारी ट्रैकर का ब्लॉग थोड़ा लेट आएगा क्योंकि बीच में तुम्हारे भाई की थोड़ी तबीयत खराब थी। अभी की ब्लॉग की शुरुआत मेरे घर से हो रही है। इस समय अभी तुम्हारा भाई अपने घर पे है और अभी आपको देखते हैं आज का शेड्यूल क्या बनता है। अभी कुछ डिसाइड तो नहीं करा है कि गाइस कहाँ का शूट करें ब्लॉग का, लेकिन देखते हैं गाइस बाहर निकल के कैसा कैसा सीन बनता है भाई लोगों के साथ। फिर देखते हैं कहीं शूट करने निकलता है। आज काफ़ी दिनों से यूट्यूब में कोई वीडियो भी नहीं डली है, तो गाइस थोड़ी सी देर में आपको मिलता है। अभी हम घर से बाहर जा रहे हैं और थोड़ी सी देर में देखते हैं जो जो हमारा शेड्यूल बनेगा वो हम आपको दिखाते हैं। थोड़ी सी देर में मिलते हैं, तब तक के लिए गाइस बाय। तो गाइस मैं अपने घर से निकल कर आया था। ये अपने घर के पास जैसा आपको पता है पार्किंग, हम दोस्त लोगों का अड्डा, मेन खोपचा हमारा। और गाइस आप चेक कर सकते हो आज का वेदर, जैसा आप देख सकते हो चारों तरफ क्या वेदर हो रहा है। आज थोड़ा ठंडा भी हो रखा है। अभी हम आए हैं पार्किंग में और अभी देखते हैं आगे का शेड्यूल किधर का बनता है गाइस। तो गाइस अभी हम आए थे अनुपम चौक पे, अपने एक फ्रेंड का वेट कर रहे हैं। वो घर से जरा नीचे आए तो हम पहुंचे कहीं और, उसका ही वेट चल रहा है गाइस। जैसा आप देख सकते हैं अनुपम चौक। तो गाइस अभी हम पहुंचे थे टीवी बस अड्डे पे, जैसा आप देख सकते हैं ये टीवी बस अड्डे का पूरा व्यू। गाइस पहले किसी टाइम में यहाँ से टीरी गढ़वाल के लिए बस जाया करती थी, इसलिए इस जगह का नाम टीरी बस अड्डा रखा गया। अब यहाँ से बस अड्डा शिफ्ट हो चुका है, ये आप देख सकते हैं व्यू पूरे टीरी बस अड्डे का। गाइस मैं घर से निकल के पहुंचा था आपका ग्लोवर। गाइस ये विडी स्टॉक एक स्कूल है, उसके आसपास की जगह है। हम दोस्त लोग कभी कभी गपशप मारने आ जाते हैं। जैसा आप देख सकते हो ऊपर ये कैफे का भी एक काम चल रहा है, ऊपर अभी कंस्ट्रक्शन में चल रहा है ये कैफे। और ये बगल का व्यू देख सकते हैं गाइस आप, पूरा कैसा चल रहा है यहाँ पर, भयंकर आंधी तूफान चल रही है गाइस। पानी टैगर के बाल भी उड़ गए हैं हवा में। गाइस आपको थोड़ी सी देर में शेड्यूल देखते हैं आगे का क्या बनता है वो दिखाते हैं। तो गाइस मैं ग्लोवर से जैसे दोस्तों के साथ घूम फिर करके आया था और उसके बाद मैं सो गया था गाइस, क्योंकि बाहर हो गया मौसम बहुत ज़्यादा भयंकर ठंडा, इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाया। और अभी मेरे दोस्त लोग आए हैं तो अभी देखते हैं थोड़ा बाहर का शेड्यूल। अभी अभी मैं उठा हूँ, थोड़ा रेडी हुआ हूँ, पैक हुआ हूँ, ठंडा हो रहा है बहुत ज़बरदस्त। अभी आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। दिखाते दिखाते हैं ना, जैसा आप देख सकते हैं बालकनी से व्यू, काफ़ी ठंडा हो रहा आज का वेदर। तो गाइस तुम्हारा पहाड़ी ट्रैकर घर से निकल के पहुंचा है चार दुकान पे। ये लाल टिब्बा पे आता है, जैसा आप देख सकते हैं चार दुकान का सामने पूरा व्यू। और गाइस ये पीछे तरफ बड़ा फेमस कैफे है IVY के नाम से, जैसे कि पर ये अब चेंज हो चुका है, इसका नाम है दा। हाँ ये दा क्या था दा नहीं कैफे दी क्या CDL। हाँ तो वही तो कैफे दी लैंडोर। ये पहले गाइस ये IVY के नाम से जाना जाता था और आज हमारे साथ हमारा दोस्त बड्डे बॉय भी है। ये पीछे भी को हम दिखाते हैं कि ये चार दुकान के नाम से आखिर फेमस क्यों है, क्यों चचुड़ी? सही बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम चार शॉप दिखेंगी, जैसे कि पहली चार दुकान भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत से गुड स्टॉक वाले आते हैं गाइस। और ये मसूरी का सबसे टॉप, जो मसूरी का सबसे टॉप पॉइंट है ये आपका लाल टिब्बा। मसूरी के अंदर स्नोफॉल अगर सबसे पहले होती तो मसूरी में इस जगह पर होती है, उसके बाद जाके हमारे नीचे बाजार तक होती है। 6,500 फीट ऊपर। और जो दोस्तों हम आपको कैफे दिखा रहे थे वो ये है, कैफे दी लैंडोर। ठीक है, तो कभी भी आना हो इधर चार दुकान तो जरूर एक बार ट्राई करना।
तो दोस्तों हम वहाँ से आए थे चार दुकान से, और ये कैफ़े जैसा आप देख सकते हैं, ये सवाई कैफ़े मसूरी के अंदर, इसका यहाँ पे एक होटल की ब्रांच भी है। और गाइस अब हम यहाँ से घूमते हुए सीधा अंदर को निकलेंगे नाटा स्ट्रीट। थोड़ी देर यहाँ घुस के अंदर आ घुस सकते हैं दोस्तों के साथ, क्योंकि ज़्यादा हो रहा है बहुत भयंकर, और अंदर का सीन दिखाता है आपको अभी थोड़ी देर में जाते हुए। तो गाइस हम नाटा के अंदर आए हैं, काफ़ी अंधेरा हो गया जैसा आप देख सकते हैं। लॉन्डो ने यहाँ बगल में लकड़ी को जुगाड़ कर रखा है जैसा आप देख सकते हैं आग जलाने के लिए, और अब यहाँ पर हम आग जलाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। गाइस काफ़ी अंधेरा हो गया, वरना मैं आपको यहाँ का अंदर से व्यू दिखाता। गाइस यहाँ का बहुत सेक्सी व्यू आता है, कभी दिन के समय आऊँगा गाइस तब आपको पक्का दिखाऊँगा। तो गाइस जैसा आप देख सकते हो मैं अपनी गैंग के साथ बैठा और हमारी आग जल दी है इस समय गजब, और ये अपने भाई लोग बैठे हैं सामने, बड्डे भाई भी बैठा है, अपना एडिटो भी बैठा है और अपना धनाई ब्रो भी बैठा है। क्यों भाई फिर कैसा लग रहा है? बस बढ़िया लग रहा है। ठंड की हो रही है गर्म जैसा आप देख ही सकते हैं गाइस। और अभी थोड़ी देर में बस हम ये आग उग सेक के निकलते हैं गाइस यहाँ से, क्योंकि जाड़ा हो गया बहुत केड़ा, और उसके बाद मिलता हूँ आपको डायरेक्ट अब घर पे ही जाके। उसके बाद गाइस, तो गाइस आई होप आपको मेरी आज की जर्नी अच्छी लगी होगी जो मैंने आपको दिखाई लाल टिब्बा की थोड़ी बहुत। ऐसे ही अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब भर के करिए। गाइस थोड़ी लेट आई है वीडियो, उसके लिए सॉरी सबको। और गाइस मैं वहाँ से आया हूँ डायरेक्ट लाल टिब्बा, जैसे मैंने आपको दिखाया है यहाँ से क्लियर दिख रहा है। और गाइस मिलते हैं जल्दी आप लोगों को नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।